हेलो गाइस, मेरा नाम सर्वेश सरोहा है। आज का हमारा टॉपिक है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर ये पार्ट नंबर 3 चल रहा है हमारा, और हमारा जो टॉपिक था वो पिछली वीडियो में हमने कवर कर लिया था यहाँ तक, और आज हम स्टार्ट करेंगे एसटीपी ब्रिज आईडी एंड हेलो बीपीडी यूज़। ये जो दोनों यूज़ किए जाते हैं, यानी कि एसटीपी ब्रिज आईडी और हेलो बीपीडी यूज़, आपके ये सिलेक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं कि कौन सा हमारा रूट स्विच बनेगा। जो आप हमारे स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर जो हमारे जितने भी स्विच होते हैं, हर स्विच की एक यूनिक आईडी होती है। यूनिक आईडी हम यानी कि स्विच आईडी भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको स्विच आईडी ना बोल के हम उसे बोलेंगे ब्रिज आईडी, जो पहले स्विच से पहले ब्रिजों में यूज़ की जाती थी। और आज स्विच है तो स्विच के अंदर भी सेम वही यूज़ की जाती है, लेकिन इसी वजह से इसे ब्रिज आईडी बोला जाता है, यानी कि हर स्विच की अपनी एक खुद की यूनिक एक ब्रिज आईडी होगी। जो ये ब्रिज आईडी होती है ये आपकी 8 bytes की होती है। अब 8 bytes के अंदर इसमें 2 bytes इसकी जो प्योरिटी वैल्यू फील्ड होती है इसके अंदर, और 6 byte के अंदर आपकी सिस्टम आईडी। यहाँ पे सिस्टम आईडी से मतलब क्या है, जो आपके स्विच के अंदर एक यूनिक चीज़ है उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। हर स्विच का अपना खुद का एक मैक एड्रेस होगा जो यूनिक होगा, और उसमें जो 6 byte के यानी कि हमारा जो सिस्टम जो ब्रिज आईडी है, उस ब्रिज आईडी के अंदर जो 6 byte होगा वो स्विच का मैक एड्रेस मेंशन होता है, और 2 bytes के अंदर प्रायोरिटी फील्ड वैल्यू होती है। तो टोटल मिलके आपके 2 plus 6 8 bytes, तो 8 bytes आपकी कन्वर्ट हो जाती है हमारे ब्रिज आईडी के अंदर। इसके बाद हमारा है एसटीपी डिफाइन मैसेज कॉल ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिक में बीपीटी ड्यूज। ये जो मैसेजेस है यूज़ किए जाते हैं हमारे स्विच यूज़ करते हैं इन मैसेज को, और इसके अंदर जो ये मैसेजेस यूज़ किए जाते हैं इन मैसेज को बोला जाता है हेलो बीपीडी यूज। इससे थोड़ा सा हम डायग्राम से इसको समझते हैं। अभी जैसे मैंने बोला कि जो आपके स्विच के पास जो ब्रिज आईडी होती है वो आपकी 8 bytes की होती है, उसमें से 6 byte के अंदर उसका मैक एड्रेस होता है। मान लो हमारे इस स्विच का मैक एड्रेस है 4A, और इस स्विच का जो मैक एड्रेस है वो है 4B, नेक्स्ट 4C। ये तो हर स्विच के पास जो एड्रेस होगा वो आपका यूनिक होगा मैक एड्रेस। इसका मैक एड्रेस 4A, इसका 4B और 4C, और जो स्विच के अंदर जो ब्रिज आईडी होती है उसके अंदर 6 byte का आपका होता है आपका मैक एड्रेस। इसके बाद जो 2 bytes बचता है वो उसकी उसकी होती है प्रायोरिटी वैल्यू, यानी कि उसकी खुद की अपनी आईडी। तो जो वैल्यू होती है जो बाई डिफॉल्ट स्विच पर होती है वो 32768, ये बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है 32768, और इसके अंदर प्लस आपकी क्या होती है मैक एड्रेस आपका ऐड होता है। तो इसकी जो हमारी जो ब्रिज आईडी स्विच की हो जाएगी वो 32768 4A, प्लस इसका मैक एड्रेस जुड़ेगा, और यहाँ पे वही सेम 32768 4B, और इस वाले स्विच का हो जाएगा 32768 4C। अब जब हम इसके अंदर जब आपस में जब हमारे स्विच हेलो बीपीडी यूज मैसेज सेंड और रिसीव करते हैं, तो उसके अंदर कई इन्फॉर्मेशन को ऐड करके वो भेजते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है रूट ब्रिज आईडी। इन तीनों में से जैसे हमने अपने लैब के अंदर 3 switches हमने लिए हैं, इस तीनों में से कोई ना कोई एक स्विच हमारा रूट स्विच या रूट ब्रिज स्विच बनेगा। वो जैसे ही हमारा बीपीडी यूज के अंदर सेंड किया जाए, यानी कि मेरा कोई स्विच है वो सेंड करेगा कि हम तीनों में से कौन सा ब्रिज स्विच है, तो उसकी आईडी वो आगे सबके पास फॉरवर्ड करेगा। यानी कि जो आपका रूट स्विच होगा उसकी ब्रिज आईडी ऐड करके भेजेगा उन तीनों में से जो ब्रिज यानी कि सॉरी रूट ब्रिज स्विच होगा उन तीनों में से उसकी आईडी को ऐड करेगा कि हम तीनों में से ये हमारा रूट ब्रिज है,
नेक्स्ट है हमारा सेंडर ब्रिज आईडी, यानी कि जो स्विच हमारा बीपीडीयूज मैसेज सेंड कर रहा है उसके अंदर वो खुद की भी अपनी ब्रिज आईडी उसमें ऐड करके आगे फॉरवर्ड करेगा। सबसे पहले उसने अपने रूट ब्रिज आईडी सेंड की कि हमारा रूट ब्रिज ये है, उसकी में जो उसकी आईडी थी वो सेंड की, प्लस जब वो अपनी अपनी खुद की भी अपने ब्रिज आईडी को ऐड करके उसको आगे सेंड करेगा। इसके बाद होता है हमारा कोस्ट टू रिच रूट, यानी कि रूट स्विच पे जाने के लिए हमारी जो कॉस्ट वैल्यू है कितनी पड़ती है, यानी कि एक मेरे वाले स्विच को रूट स्विच पे जाने के लिए उसकी कॉस्ट वैल्यू कितनी आएगी वो भी ऐड करके वो आगे सेंड करेगा। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है टाइमर वैल्यू ऑन द रूट स्विच। टाइमर वैल्यू के अंदर कई तीन चीज़ें होती हैं, जैसे हैलो टाइमर, हैलो टाइमर है कि जो हमारा हैलो बीपीड्यूज है वो कितने कितने सेकंड के बाद वो मैसेज भेजे जाएँ, तो वो हैलो टाइम बाय डिफॉल्ट हमारा 2 सेकंड का है, 2 सेकंड बाय डिफॉल्टली हमारे 2 सेकंड बाद हमारे हैलो बीपीड्यूज सेंड किए जाते हैं, रिसीव किए जाते हैं। इसके बाद है मैक्सिमम एज टाइमर, यानी कि कितने टाइम बाद ये यदि कोई हेलो बीपीड्यूज मैसेज उसको रिसीव नहीं हो तो कितने टाइम बाद वो उसे मान ले कि ये मेरा जो नेबर्स था वो मेरा डाउन हो गया है। इसके बाद हमारा फॉरवर्ड डिले टाइमर, हमारे जो स्विच के अंदर यदि कोई पोर्ट हमारे ब्लॉकिंग स्टेज पे है तो डायरेक्टली वो फॉरवर्डिंग स्टेज पे नहीं आती, उसके बीच में पहले उसमें जैसे लर्निंग होती है, लिसनिंग होता है, तो वो जो टाइमिंग है कि इनकी डायरेक्टली ये नहीं आएगा, तो 15 सेकंड आपका लिसनिंग, 15 सेकंड आपका लर्निंग और देन आपकी फॉरवर्डिंग स्टेज में आती है, वो टाइमिंग बाय डिफॉल्ट हमारा 15 सेकंड का होता है। इस इन यानी कि इन फील्ड से ही, यानी कि इन बीपीडीयूज मैसेज से ही हमारे स्विचों के अंदर इलेक्शन होता है कि कौन सा हमारा इन 10 स्विच में से, 5 स्विच में से कौन सा हमारा एज ए रूट स्विच काम करेगा। इसके बाद है हमारा इलेक्टिंग द रूट स्विच। अब रूट स्विच के अंदर हाँ जी देखिए, बाय डिफॉल्ट देखा जाए तो हर स्विच अपने आप को ही एक एज ए रूट स्विच मान के चलते हैं, कि तीनों ही स्विच ये बोलते हैं कि हम अपने आप में खुद ही रूट स्विच हैं। अब जब मान लो इस स्विच ने ये बोला कि इस स्विच ने ये सोचा कि मैं ही रूट स्विच हूँ, तो ये हर 2 सेकंड बाद क्या करेगा, हेलो बीपीड्यूज मैसेज सेंड करेगा, ये मैसेज इसको भी सेंड करेगा, ये मैसेज इसको भी सेंड करेगा। अब जब मैसेज बीपीड्यूज मैसेज सेंड किए जाते हैं तो उसमें 4 फील्ड आपकी ऐड करके भेजेगा, सबसे पहले ये अपनी रूट ब्रिज आईडी। अब इसके हिसाब से ब्रिज आईडी मतलब जिसका जो रूट ब्रिज है वो कौन है, इसके हिसाब से तो खुद ही है, तो ये अपने रूट ब्रिज आईडी में खुद ही अपने ब्रिज आईडी को ऐड करके आगे सेंड कर देगा। सेकंड जो फील्ड होती है उसके अंदर क्या क्या, सेंटर ब्रिज आईडी, और सेंटर ब्रिज आईडी में भी अपनी ही ब्रिज, अपनी ही जो इसकी खुद की जो ब्रिज आईडी है वो आगे फॉरवर्ड करके ऐड करके देगा। इसके बाद है कोस्ट टू रिच रूट। अब रूट स्विच पे जाने के लिए इसकी खुद की कॉस्ट कितनी है, खुद ही अपने आप को एज ए रूट स्विच लेके चल रहा है तो इसकी कॉस्ट वैल्यू क्या होगी, 0, तो 0 डाल के देखेगा। इसके बाद टाइमर वैल्यू, अब टाइमर वैल्यू में जो आपका हेलो टाइमर है वो आपका 2 सेकंड का होता है, मैक्सिमम एज टाइमर जो होता है वो आपका 20 सेकंड का होता है, फॉरवर्डिंग डिले टाइमिंग आपका 15 सेकंड का होता है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ये आगे ऐड करके सेंड कर देगा। अब जब इसने हेलो बीपीड्यूज में आगे मैसेज सेंड किया तो ये वाला जब स्विच इस मैसेज को जब रिसीव करेगा तो ये अपनी अपनी ब्रिज आईडी से इसकी ब्रिज आईडी को कंपैरिजन करके देखेगा। अब जब कंपैरिजन होगा तो आपकी जो ब्रिज आईडी होती है उसके अंदर 2 चीज होती है, एक होती है आपकी प्योरिटी वैल्यू, दूसरा है उसके अंदर उसकी खुद का मैक एड्रेस, यानी कि 2 बाइट्स प्लस 6 बाइट्स। अब 2 बाइट्स का मतलब क्या है, 16 बिट। अब 16 बिट के अंदर उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट हर जो स्विच की जो वैल्यू होती है वो 32768 होती है, तो जब इसने इसको कंपैरिजन किया 3278 मेरी है, इसने देखा 3278 मेरी है, तो यहाँ पे सेम है। इसके बाद चेक होगा फिर मैक एड्रेस, जिसका मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया हुआ है, सबसे पहले प्योरिटी वैल्यू चेक की जाती है, यदि एक स्विच की प्योरिटी वैल्यू 100 है, दूसरे स्विच की प्योरिटी वैल्यू जब कंपैरिजन होता है दूसरे स्विच की जो प्योरिटी वैल्यू है वो है 200, तो जिसकी लोएस्ट होगी वही हमारा ब्रिज यानी कि रूट
स्विच बन जाएगा, जिसकी प्योरिटी वैल्यू लोएस्ट होगी वही हमारा रूट स्विच होगा। यदि दोनों की मैच है, यानी कि इसकी भी 100 है और इसकी भी 100 है, देन चेक होगा हमारा मैक एड्रेस, और जिसका मैक एड्रेस लोएस्ट होगा वही हमारा रूट स्विच बन जाएगा। अब दोनों ही स्विचों का मैक एड्रेस है, लेकिन आपका जो चेकिंग की जाती है, स्विच जो चेक करते हैं वो लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं, यानी कि पहली बिट को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर दिया है 0, इसकी पहली बिट चेक की, 0 मैच हो गई। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखा 0, इसके बाद देखा F, यानी कि किसको इस स्विच की जो सेकंड बिट इसे लोएस्ट पड़ती है, तो यही हमारा रूट ब्रिज बन जाएगा। अब जब इसने इसके पास बी हेलो बी प्रोड्यूस देखा, इसने कंपैरिजन किया, तो यहाँ पे मान लो दोनों का जो वैल्यू थी वो 3278 3278, देन चेक होगा इसका मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस यदि इसने इसका लोएस्ट है, मान लो इसने इस स्विच का जो जिसने अपना मैक एड्रेस आगे सेंड किया, तो उसमें लोएस्ट, इस स्विच को लगा कि इसका मैक एड्रेस मेरे से लोएस्ट है, तो ये मान लेगा कि ये ही जो इसने भेजा है, कि जो रूट स्विच है, रूट इसने जब इसने इसके पास मैसेज सेंड किया, तो रूट स्विच में इसने खुद की ही अपनी ही ब्रिज आईडी को ऐड करके भेजा था, तो ये मान लेगा कि हाँ यही एक ब्रिज हमारा रूट स्विच है। इसके बाद जब ये यहाँ आएगा, इसके इस मैसेज को रिसीव करेगा, सेम कंपेरिजन ये भी अपनी करेगा, इसकी जो लोएस्ट वैल्यू होगी वही इसका ब्रिज स्विच बन जाएगा। तो तीन यहाँ पे जो हमारे दोनों स्विच है, ये मान लेंगे कि हमारा जो ब्रिज रूट है या हमारा जो रूट स्विच है वो ये है, क्योंकि इन तीन दोनों में से जो लोएस्ट वैल्यू है वो इसकी है, तो यही हमारा। और जो बाकी बचेंगे, यानी कि जो रूट स्विच नहीं बन पाएंगे, वो क्या बोलेंगे उनको, उन स्विचों को हम क्या बोलेंगे, नॉन रूट स्विच। ये हमारा नॉन रूट स्विच है, ये हमारा नॉन रूट स्विच है, और रूट पोर्ट। अब रूट पोर्ट यहाँ पे नॉन रूट स्विच देखेंगे कि इस स्विच पे, यानी कि हमारे रूट स्विच पे जाने के लिए उसके कौन सी पोर्ट फॉरवर्डिंग कंडीशन पे रहेगी, हमारा रूट पोर्ट है, वो पोर्ट क्या लगेगी, रूट पोर्ट। इसकी यहाँ से ये रूट पोर्ट, और जो हमारा रूट स्विच होता है उसकी जितनी भी पोर्ट होती है वो सारी सारी फॉरवर्डिंग कंडीशन में होती है। और अपनी हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।